हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं दीपिका, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आप लोग के लिए आज लेके आई हूँ गाजर के हलवे की रेसिपी, जो हर किचन में जिसका अवेलेबल रहता है, उतना ही कम इंग्रेडिएंट से हम आपको लिए बहुत टेस्टी गाजर का हलवे की रेसिपी लेके आई हूँ। जिसके लिए हमने यहाँ पर लिए हैं 1 kg के करीब गाजर, जिसको हम अच्छे से धो के कद्दूकस कर लिए हैं। 3 बड़े चम्मच लिए हम यहाँ पर देसी घी। यहाँ पर हम काजू, थोड़ा सा काजू और किशमिश को हम थोड़ा सा टुकड़े में काट लिए हैं। यहाँ पर 5 बड़े चम्मच के करीब हमने यहाँ पर चीनी लिए हैं। यहाँ पर हमने लिए डेढ़ कप के करीब दूध। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, गैस ऑन करके हमने यहाँ पर कढ़ाई चढ़ा लिए है। कढ़ाई गर्म हो चुका है। इसमें हम जो घी था, वो घी को हम यहाँ पर डाल देंगे। तो घी गर्म हो चुका है दोस्तों। यहाँ पर हम फ्लेम को हम मीडियम टू लो में रखेंगे। और घी गर्म हो चुका है। यहाँ पर कट के रखे थे वो जो गाजर, उसको हम यहाँ पर डाल देंगे। देखिए दोस्तों, गाजर से कितना पानी निकला है। इसको हम मीडियम फ्लेम पे इसी तरह से धीरे धीरे पकाएंगे। तो देखिए दोस्तों, गाजर जो है, गाजर का जो कलर है वो चेंज हो रहा है। और देखने में आप लोग को गाजर इतना लग रहा है, जैसे जैसे गाजर पकते जाएगा उसका क्वांटिटी जो है कम होते जाएगा। तो इसको अच्छे तरह से हम घी के साथ मिला लेते हैं। करीब 1.5 से 2 मिनट तक हम उसको इसी तरह से घी के साथ थोड़ा सा मिला लेते हैं। तो लीजिए दोस्तों, 2 मिनट तक हम इसको मिला लिए हैं। अब इसको हम 5 से 6 मिनट तक इसी तरह ढक देंगे, ताकि इसमें जो गाजर में जो पानी है वो जैसे निकल जाए। बीच बीच में हमको मिलाते रहना है दोस्तों, वरना चिपक जाता है। तो 5 से 6 मिनट के बाद हम आते हैं। तो दोस्तों, इस तरह हमको बीच बीच में मिलाते रहना है, ताकि गाजर जो है वो चिपके ना। फिर इसको हम ढक देंगे। तो बीच में हर एक बार हम इसको निकाल ले रहे हैं दोस्तों। तो देखिए गाजर ने कितना पानी छोड़ा है। इसको हम फिर से चला लेते हैं। देखिए कितना गाजर ने कितना पानी छोड़ा है। तो गाजर का हलवा बनाने के लिए थोड़ा सा पेशन रखना पड़ेगा आप लोग को। तो इसको हम इसी तरह से फिर से मिला के, अभी मेरा करीब 4 मिनट हुआ है जो ढक के रखे थे। इसको हम फिर से 2 से 3 मिनट के करीब ढक देंगे, ताकि जो गाजर है अच्छी तरह से इसका पानी जो है सोख ले और गाजर अच्छी तरह से सीझ जाए, नरम हो जाए। तो इसको हम पूरा लो फ्लेम में करना है। इसको लो फ्लेम में ही कीजिएगा। इसको फिर से हम मिला लिए हैं। तो फिर से हम इसको ढक देंगे। तो चलिए दोस्तों, 5 से 6 मिनट हो चुका है। देखिए गाजर का क्वांटिटी कितना कम हो चुका है, और ये पूरी अच्छी तरह से ये मैश भी हो चुका है। तो इस क्वांटिटी में हम क्या करेंगे, फ्लेम को हम मीडियम करके इसको फिर से 2 से 3 मिनट तक इसी तरह से हमको इसको मैश कर करके, इसको जैसे गाजर पूरी तरह से मैश हो जाए उसको इस तरह से भूनना है इसी तरह से। और इसको जितना हल्का हल्का पानी है तो पूरा जैसे गाजर सोख ले।
तो धीरे धीरे इसका क्वांटिटी और कम होता जाएगा। जितना इसका क्वांटिटी कम होते जाएगा उतना इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। इसीलिए इसको हम अच्छी तरह से भून ले रहे हैं। तो देखिए हम अच्छी तरह से भून चुके हैं, तो इसका पानी भी जो है पूरा सोख चुका है। तो इसमें हम क्या करेंगे ना, दूध जो रखे थे दूध को हम यहाँ पर मिला के डाल दे रहे हैं। दूध को अच्छी तरह से मिला के देखिए दोस्त, दूध को हम अच्छी तरह से मिला लिए हैं। फिर से हमको क्या करना है, फ्लेम को एकदम कम करना है, लो करके फिर इसको 10 से 15 मिनट तक फिर से हमको इसको पूरी तरीके से छोड़ देना है। बीच बीच में मिला लेना है ताकि चिपके ना। फिर से हमको इसको पूरी तरह से 15 मिनट तक छोड़ देना है लो फ्लेम पे। तो 10 मिनट हो चुका है दोस्तों, देखते हैं। तो देखिए पूरा गाजर ने पूरा दूध को सोख लिए है। देखिए अब यहाँ पर हम जो ड्राई फ्रूट रखे थे उसको हम यहीं पर डाल देंगे। और फ्लेम को कर देंगे मीडियम और फिर से हमको इसको 5 से 6 मिनट तक मीडियम फ्लेम में दोस्तों इसी तरह से हमको भूनना है। गाजर का हलवा बनाने का तो यही है सबसे मेन प्रोसेस। तो इसी तरह से भून लीजिएगा इसको, कम से कम 5 से 6 मिनट तक इसी तरह से चलाते हुए भूनना होगा। तो हम भून लेते हैं। तो देखिए दोस्तों हम इसको मीडियम फ्लेम में पूरी तरह से 6 मिनट तक पका लिए हैं। इसको इसी तरह से भून लिए हैं। इसमें हम शुगर रखे थे इसमें ऐड कर देंगे। इसको फिर से हमको 2 से 3 मिनट तक भूनना है जब तक शुगर मैश ना हो जाए। फिर इसको हम इसी तरह से 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे भून लेते हैं। तो देखिए दोस्तों 2 से 3 मिनट हो चुका है, हम भून चुके हैं। फ्लेम को कर देते हैं ऑफ। तो देखिए गाजर का हलवा बन के हो गया तैयार। हम इसको सर्व करके दिखाते हैं। तो लीजिए दोस्तों गाजर का हलवा बनके हो गया तैयार। इसमें हम काजू पिस्ता और बादाम को थोड़ा सा डेकोरेट कर देते हैं। तो लीजिए गाजर का हलवा बनके हो गया तैयार। आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक लाइक दे दीजिएगा। आई होप मेरे वीडियो आप लोग को पसंद आया हो। तो फिलहाल अभी के लिए बाय बाय। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और हेल्दी खाइए।